Assalamu alaikum. I'm Laila Rukh Shabir, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. Our subject is Principles of Marketing, and this lecture is for class BBS Semester 4, Section B and Section C. Chapter 1 hi hum aaj bhi discuss kar rahe hain, uska second half aaj hum discuss karenge. First half humne last lecture mein discuss kiya tha, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मार्केटिंग को डिस्कस किया, तो मार्केटिंग होती क्या है, और फिर हमने एक मार्केटिंग प्रोसेस को डिस्कस किया जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा, लाइक सेगमेंटेशन क्या होती है, टारगेट मार्केट क्या होती है, हाउ टू पोजीशन योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर्स, और फिर हमने डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस को डिस्कस किया था. उसी प्रोसेस को हम आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं. फर्स्ट टू स्टेप्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, आज हम थर्ड स्टेप से फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे. थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम. द मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ टूल्स फोर पीज द फर्म यूजेस टू इंप्लीमेंट its marketing strategy. It includes product, price, promotion and place. Basically, integrated marketing program में हम discuss करेंगे marketing mix को, जिसको हम normally 4 P's of marketing भी कहते हैं. और 4 P's of marketing हैं क्या? Product, price, promotion and place. तो कैसे इन चारों चीजों को हमने एक integrated manner में आगे लेकर चलना है, ताकि हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और इन रिटर्न कस्टमर से वैल्यू को कैप्चर कर सकें. टू डिलीवर ऑन इट्स वैल्यू प्रोपोजिशन द फर्म मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ नीड सैटिस्फाइंग मार्केट ऑफरिंग. जैसे कि 4 P's में सबसे पहले हमने बात की प्रोडक्ट. सबसे पहले कंपनी को डिसाइड करना है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन मार्केट ऑफरिंग, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर. कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए हम कस्टमर को क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, हम क्या मार्केट ऑफरिंग कर रहे हैं. सबसे पहली चीज जो है, हमने ये डिसीजन लेना है एज अ मार्केटर कि हमने कस्टमर की नीड को किस मार्केट ऑफरिंग से सेटिस्फाई करना है. सेकेंड एलिमेंट इज प्राइस. इट मस्ट डिसाइड How much it will charge for the offering price. Product बना ली. Product बनाने के बाद जब हमने उसको market में offer करना है, launch करना है, तो definitely हमारी product की कोई pricing strategy भी होगी. तो क्या strategy होगी वो? हमने अपने product की price किस तरह set करनी है? ये हमारा है 4 P's के दूसरा element. Product, price, then comes place. How it will make the offering अवेलेबल टू टारगेट कंज्यूमर्स. हमारी मतलब हमारी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, हमने अपनी प्रोडक्ट को कहाँ अवेलेबल करना है, किन किन जगहों पे हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, जहां पर हमारी टारगेट मार्केट जाए और हमारी प्रोडक्ट को बाय कर सके. एंड लास्टली इट मस्ट कम्युनिकेट विद टारगेट कस्टमर्स अबाउट द ऑफरिंग एंड पर्सुएड देम ऑफ इट्स मेरिट्स. मीन्स प्रमोशन, किस तरह हमने उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है. क्यों? क्योंकि अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस नहीं मिलेगी, लोगों तक कम्युनिकेट ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है और वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है. और जब तक प्रमोशन नहीं होगी, उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी, उसकी अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी, डेफिनेटली कस्टमर जो है वो में अवेयरनेस नहीं होगी, तो डेफिनेटली कस्टमर उसको बाय कैसे करेगा. तो ये बेसिकली 4 एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग, और यही है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट कम्युनिकेट्स एंड डिलीवर द इंटेंडेड वैल्यू टू चूजन कस्टमर्स. ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान, ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या मार्केट ऑफरिंग करनी है, उस मार्केट ऑफरिंग की प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, उसकी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी और उसकी प्रमोशन
स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो इन चारों एलिमेंट्स को हमने एक साथ लेकर चलना है, इकट्ठे लेकर चलना है, ताकि हमारे पास जो है वो हमारा आउटकम आ सके। नॉर्मली जब हम बात करते हैं मार्केटिंग में तो हम फोर पीस की ही बात करते हैं, लेकिन अब ये फोर पीस एक्सटेंड हो चुके हैं सेवन पीस में, और सेवन पीस से खैर अब 14 पीस भी हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा सेवन पीस को डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर सेवन पीस ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। अब जो जो एलिमेंट्स आ जाते हैं इन सेवन पीस में, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन किस किस्म का होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने उस प्रोडक्ट में यूज़ करनी है, उस प्रोडक्ट की टारगेट मार्केट के लिए यूजफुलनेस क्या है, उस प्रोडक्ट की वो कितना कन्वीनियंट है हमारी टारगेट मार्केट के लिए, हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमारे टारगेट मार्केट को, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी किस किस्म की है, पैकेजिंग किस किस्म की है, एक्सेसरीज किस किस्म की हम उसके साथ एड ऑन कर रहे हैं, और वारंटीज एंड गारंटी क्लेम्स भी हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी में। ये सारे डिसीजंस हैं जो कि हम लेते हैं रेलेवेंट टू प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम प्लेस की बात करें, प्लेसमेंट स्ट्रेटजी की बात करें, तो हमने उस प्रोडक्ट को, अपनी प्रोडक्ट को कहाँ अवेलेबल करना है, जहां पर हमारी टारगेट ऑडियंस इजिली जाकर उस प्रोडक्ट को बाय कर सके। क्या हमने अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली रिटेलर्स को देना है, रिटेलर से आगे एंड कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट जाएगा, क्या हमने बीच में होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करना है, या हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, क्या हमने पर्सनल सेलिंग करनी है, हमने डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है। तो प्लेसमेंट के भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेज हैं कि हमारी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी किस तरह की होगी। इन सारे पॉइंट्स को फर्दर वन बाय वन डिटेल में हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। थर्ड एलिमेंट आ जाता है सेवन पीस में, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या हम मार्केट स्कीमिंग की तरफ जा रहे हैं, क्या हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं, या हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं प्राइसिंग को एडजस्ट करने के लिए या प्राइसिंग को सेट करने के लिए। इन स्ट्रेटजीज को भी हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन कम प्रमोशन स्ट्रेटजी। हमने अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन किस तरह करनी है, क्या हमने किसी किस्म की कोई स्पेशल ऑफर्स देनी है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, हमारी एडवर्टीजमेंट कैंपेन किस किस्म की होगी, एंडोर्समेंट्स की बात हम कर सकते हैं, डायरेक्ट मेलिंग हो सकती है, लीफलेट्स यूज करने हैं, पोस्टर्स यूज करने हैं, फ्री गिफ्ट देकर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। तो ये सारे वेज हमारे पास प्रमोशन के हो सकते हैं कि किस तरह हमने मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को डिफ्यूज करना है, किस तरह हमने अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है और इसके ये फीचर करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये बेनिफिट जो है वो हमें इस प्रोडक्ट को यूज करने से मिल सकते हैं। जितना ज्यादा हमारी अच्छी प्रमोशन होगी उतना ज्यादा कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है सेवन पीस में, पीपल। लोगों का बहुत अहम रोल है इसमें। पीपल में कौन कौन आ जाता है, आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाती है, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, कस्टमर सर्विसेज आ जाता है, कि हमने जो वैल्यू कस्टमर को प्रोवाइड करनी है उसके बैक एंड में सारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम ह्यूमन रिसोर्स कर रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स अपना किस तरह का काम कर रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो पीपल्स का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेवन पीस में। फिर आ जाता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मीन्स कि हमने किस तरह जो हम वैल्यू हम दे रहे हैं। नॉर्मली प्रोसेस की बात हम ज्यादा सर्विसेज साइड पे करेंगे, प्रोडक्ट से हटकर हम सर्विसेज में अगर हम बात करें तो हम जो ऑफर कर रहे हैं, हम जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वो सर्विस किस तरह हम अपने एंड यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम
स्टैंडर्ड सर्विस अपने कस्टमर को, सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज हम अपने कस्टमर को, ईच एंड एवरी कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, एट द सेम टाइम सेव टाइम बाय इंक्रीजिंग आर एफिशिएंसी. हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए किस तरह वैल्यू कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह वैल्यू कस्टमर को दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके प्रोसेस में. और लास्ट एलिमेंट हमारा आ जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट में हम बात कर लेते हैं लेआउट और इंटीरियर की, पैकेजिंग की, ब्रांड की, कि जहां पर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर आप किस किस्म का एनवायरनमेंट आप जो है वो एनवायरनमेंट आप फेस कर रहे हैं, वहाँ का लेआउट किस किस्म का है, वहाँ का इंटीरियर किस किस्म का है, या आप किसी रिटेल आउटलेट पे जा रहे हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट किस तरह का है, वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइंस तो नहीं लगी हुई बिलिंग एरिया में, वहाँ बड़ा रशी ऐसा एरिया है, वहाँ पर पार्किंग की इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी प्रोडक्ट को इन्हेंस कर रही होती हैं, उसकी वैल्यू को इम्प्रूव कर रही होती हैं इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर्स. तो इन चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं एज अ मार्केटर. तो ये बेसिकली थे हमारे 7 P's, जिसमें हमने प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट की बात की. इन सारी चीज़ों को हमने एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक इंटीग्रेटेड मैनर में साथ लेकर चलना है, ताकि हम एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आउटपुट है, हमें मिल सके. यही हमारा स्टेप था जिसको हमने कहा प्रिपेयर एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम, कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के साथ साथ प्राइस भी, प्लेस भी, प्रमोशन भी, पीपल भी, ये सारे सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं फिर हमारे प्रोसेस का, जो कि है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स. पहले 3 steps में हमने क्या किया, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स. सेकंड स्टेप में हमने कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन किया. तीसरे स्टेप में हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया. फोर्थ स्टेप में अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकें by providing them superior customer value. जितना ज़्यादा हम customer value provide करेंगे, जितना ज़्यादा हमारी product से customer satisfied feel करेगा, उतना ज़्यादा उसका relationship जो है वो हमारे product के साथ strong होता जाएगा, और यही satisfaction further हमें lead करती है customer loyalty की तरफ. तो basically कस्टमर को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क है, और कंपनीज जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं. जैसे कि हमने उस दिन मार्केटिंग की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि मार्केटिंग का एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स. कि मार्केटर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक दफ़ा कस्टमर आए, उसका प्रोडक्ट बाय करे और दोबारा कभी ना आए. मार्केटर का मकसद ये होता है कि जितनी जिस जब जब कस्टमर की नीड क्रिएट हो, तब तक कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे. इतनी स्ट्रांग पोजीशन आपके प्रोडक्ट की होनी चाहिए आपके कस्टमर के माइंड में. तो इसके लिए कंपनी जो है वो डिफरेंट मेथड यूज करती हैं. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. कस्टमर के साथ जो है वो पोस्ट परचेज लेवल पर भी इंटरैक्शंस रखे जाते हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है, ताकि कस्टमर फील वैल्यूड, कस्टमर वैल्यूएबल फील करे. जितना ज़्यादा कस्टमर वैल्यूएबल फील करेगा, उसका जो है वो हमारी प्रोडक्ट की तरफ एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होता जाएगा.
Customer relationship management deals with all aspects of acquiring, keeping and growing customers. इसमें हम तीनों चीजों पर फोकस करेंगे कि किस तरह हमने अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करने के साथ साथ हमने उस कस्टमर को रिटेन करना है, और रिटेन करने के साथ साथ हमने अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों. रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक्स डिपेंड्स ऑन कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन. रिलेशनशिप उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा जितना ज्यादा आप कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड फील करवाएंगे थ्रू आर प्रोडक्ट. उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू का. अब कस्टमर परसीव्ड वैल्यू क्या है? इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कस्टमर वैल्यू एंड टोटल कस्टमर कॉस्ट. कस्टमर परसीव्ड वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कस्टमर वैल्यू माइनस टोटल कस्टमर कॉस्ट. अब बेसिकली कस्टमर परसीव्ड वैल्यू क्या है? ये डिफरेंस है टोटल कस्टमर वैल्यू और टोटल कस्टमर कॉस्ट का. मैं एक प्रोडक्ट बाय करती हूं, उसको बाय करने के अगेंस्ट मैं पे कर रही हूं. तो कस्टमर बेसिकली उस चीज को अवैल्यूएट कर रहा होता है कि एक प्रोडक्ट को बाय करने में मैंने कितना इन्वेस्ट किया और उसके रिटर्न में मुझे कितना बेनिफिट मिला. क्या मैंने 10 रुपीज की, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का एक प्रोडक्ट जो है वो बाय किया, तो क्या उस 10 रुपीज के अगेंस्ट मुझे उतना वैल्यू मिला? क्या उस 10 रुपीज के अगेंस्ट मुझे वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली है या नहीं मिली? ये है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू. जितना ज्यादा हमारी कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बढ़ती जाएगी, दैट मीन्स हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस मैचेस अ बायर्स एक्सपेक्टेशन. कि अगर वो परसीव्ड वैल्यू जो है, कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू है या जो परसीव्ड परफॉर्मेंस है, अगर वो बायर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगी, तो दैट्स मीन हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है. लास्ट लेक्चर में भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें तीन सिनेरियोस हमारे पास हो सकते हैं. कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो प्रोडक्ट रहा, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था, दैट विल लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन. दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि परसीव्ड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की कम थी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी. एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था बायर, लेकिन परसीव्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो प्रोडक्ट की थी वो कम थी. तो दैट विल लीड टू कस्टमर डिससैटिस्फेक्शन. और तीसरा सिनेरियो क्या आता है कि परसीव्ड परफॉर्मेंस इज हायर देन बायर्स एक्सपेक्टेशन. कि मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर उस प्रोडक्ट ने परफॉर्म किया, उससे मुझे बेनिफिट मिला. दैट विल लीड टूवर्ड कस्टमर डिलाइट, और वो कस्टमर डिलाइट फर्दर जो है वो हमें कस्टमर लॉयलिटी की तरफ लीड करता है. तो बेसिकली कस्टमर जब एक प्रोडक्ट को अवैल्यूएट कर रहा होता है, तो वो ये चीज देख रहा होता है कि उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मैंने पे कितना किया, उस इन्वेस्ट कितना किया, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मुझे कितना बेनिफिट मिला. जितना बेनिफिट मुझे मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन शेप होती है. अभी जो परसीव्ड वैल्यू होती है, ये वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर. ये आपकी टारगेट मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर सपोज एक टारगेट मार्केट, एक सेट ऑफ कस्टमर जो है वो ऐसा है जिनको, जिनके लिए मैटर ये करता है कि प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पर होनी चाहिए, बेशक उस प्रोडक्ट में यूनिकनेस वाला एलिमेंट इतना ज्यादा ना हो. और एक दूसरा सेगमेंट है जो कि वैल्यू करता है यूनिकनेस को, इनोवेशन को, और उस यूनिकनेस और इनोवेशन के लिए वो विलिंग है कि वो एक्स्ट्रा भी पे करने को तैयार है. तो दोनों सेगमेंट्स के लिए, एक सेगमेंट अफोर्डेबिलिटी को वैल्यू कर रहा है, दूसरा सेगमेंट यूनिकनेस को वैल्यू कर रहा है. तो जब हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तो उसमें हम अपने टारगेट मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को कंसिडर करते हुए कि हमारे टारगेट मार्केट के लिए वो किस तरह वैल्यू को परसीव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने प्रोडक्ट को
डिजाइन करते हैं। तो हमने जैसे कहा कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या कस्टमर डिलाइट है वो किसकी तरफ जाता है हमें लेकर, कस्टमर लॉयल्टी की तरफ। और लॉयल कस्टमर से हमें एक एज अ मार्केटर हमें क्या फ़ायदा होता है, एज अ कंपनी हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो लॉयल कस्टमर है उस वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेगा और उस पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से हमारी पब्लिसिटी होगी, लोगों को पता चलेगा। तो इस वजह से कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, कि किस तरह वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए कस्टमर के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकें। देन कम कस्टमर रिलेशनशिप लेवल्स एंड टूल्स। अ कंपनी विद मेनी लो मार्जिन कस्टमर्स मे सीक टू डेवलप बेसिक रिलेशनशिप विद देम इन मार्केट विद फ्यू कस्टमर्स एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, सेलर वांट टू क्रिएट अ फुल पार्टनरशिप विद की कस्टमर। अब यहाँ कहने का मकसद ये है कि हर कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप लेवल है वो वेरी करता है, वो वेरी इस सेंस में करता है कि वो कस्टमर हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है। अगर एक कस्टमर जो है वो एक जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है, अगर वो कंपनी के लिए जो है वो लो मार्जिन कस्टमर्स हैं तो उनके साथ कंपनी जो है वो बेसिक लेवल ऑफ रिलेशनशिप को मेंटेन करेगी, जबकि एक हमारी टारगेट ऑडियंस वो है जो कि वो जो हमारे लिए हाई प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर्स हैं तो वहाँ पर कंपनीज जो हैं वो उनके साथ फुल पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करती हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप के भी डिफरेंट लेवल्स हैं और वो लेवल्स हम डिफाइन करते हैं कि वो कस्टमर हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है। जो कस्टमर हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा वहाँ पर हम ज़्यादा एफर्ट करेंगे उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। और एक तरफ हमारे वो कस्टमर जहाँ पर जो हमें प्रॉफिट तो दे रहे हैं लेकिन लो मार्जिन पे प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो वहाँ पर रिलेशनशिप लेवल भी बेसिक लेवल का होगा। इसमें लाइक हम जैसे बात कर सकते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, किसी भी उनके डिटर्जेंट की सपोज हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, कंज्यूमर गुड आप में हम जैसे लोग जनरल पब्लिक उस प्रोडक्ट को जाके परचेज करती है, उसको यूज़ करती है, तो ये कंपनी के लिए अब कंपनी एक एक कस्टमर को कॉल करके उनसे जो है वो फीडबैक नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा कंपनी के लिए और बहुत कॉस्टली भी होगा। लेकिन वहीं पर दूसरे सिनेरियो में अगर हम देखें कि PNG जो है वो के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट रिटेलर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि रिटेलर्स जो है वो उनसे बल्क में परचेज कर रहे होते हैं, बल्क क्वांटिटीज में ले रहे होते हैं, तो वहां पर PNG के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो स्पेशल अटेंशन देंगे उन रिटेलर्स को। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उनको दे रहे हैं जो आपके रिटेलर्स हैं। तो रिलेशनशिप लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं और उन रिलेशनशिप लेवल्स को किस तरह मेंटेन करना है, उनके लिए क्या टूल्स यूज करने हैं, वो टूल्स भी हमारे वेरी करते हैं। मेनी कंपनीज ऑफर फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम्स दैट रिवॉर्ड कस्टमर्स हु बाय फ्रीक्वेंटली और इन लार्ज अमाउंट्स। बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जहाँ पर वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को रिवॉर्ड देती हैं जो कि लार्जर अमाउंट्स में बाय करते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंपनी से बाय करते हैं। अदर कंपनी स्पॉन्सर क्लब मार्केटिंग प्रोग्राम्स दैट ऑफर मेंबर स्पेशल बेनिफिट्स एंड क्रिएट मेंबर कम्युनिटीज। ये सारा प्रोसेस जो है वो क्यों किया जा रहा है? टू स्ट्रेंथन कस्टमर ब्रांड एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा कस्टमर का ब्रांड एक्सपीरियंस बेहतर होगा उतना ज़्यादा कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बिल्ड होगी, सेटिस्फैक्शन बिल्ड होगी तो वो कस्टमर लॉयल्टी की तरफ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा स्टेप था बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप।
अच्छा, जब हम कस्टमर रिलेशनशिप्स की बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो और आ जाता है वो है पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर्स इन अदर कंपनी डिपार्टमेंट्स एंड आउटसाइड द कंपनी टू ज्वाइंटली ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू द कस्टमर्स। हम जो वैल्यू कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक जॉइंट एफर्ट है, जहाँ पर एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, तब जाके एंड आउटपुट हमारे पास आता है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम करें, मिलकर काम करें, ताकि हम एंड आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकें। और जितना ज़्यादा हमारी एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड होंगे उतना ज़्यादा बेहतर तौर पर हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकेंगे। पार्टनर्स इनसाइड द कंपनी इज एवरी फंक्शनल एरिया इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स। अब इसमें हम जो है बात करते हैं कि अब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है सिर्फ उसका काम है कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, बल्कि इसमें तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे तो ही एंड रिजल्ट आएगा। तो ईच एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमने इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द कंपनी अपनी कोऑर्डिनेशन को, अपनी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, अपनी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है, ताकि हम अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इंटरनली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से परफॉर्म होंगी तो आउटसाइड भी हमें रिजल्ट मिलेगा। एंड सेकेंडली, पार्टनर्स आउटसाइड द कंपनी इज हाउ मार्केटर्स कनेक्ट विद द सप्लायर्स, चैनल पार्टनर्स एंड कंपेटिटर्स बाय डेवलपिंग पार्टनरशिप। पार्टनर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हो गए, और पार्टनर आउटसाइड द कंपनी कौन है? आपके सप्लायर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, आपके रिटेलर्स हो सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि उस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मीन्स कि सप्लायर से लेकर एंड यूजर तक ये एक पूरा प्रोसेस है, ये हमारे पास एक पूरी सप्लाई चेन है। तो किस तरह आपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, सप्लायर्स के साथ जितने अच्छे आपके रिलेशनशिप होंगे वो उतना ज्यादा आपको जो है वो फैसिलिटेट करेगा, आपकी आपको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसमें क्वालिटी में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो आपको टाइमली अवेलेबिलिटीज इंश्योर करेगा। इसी तरह हमारे एज अ कंपनी हमारे अच्छे जो है वो रिलेशनशिप होने चाहिए हमारे रिटेलर्स के साथ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। जितने ज़्यादा हमारे स्ट्रांग रिलेशनशिप्स होंगे, जितना ज़्यादा हमारे स्ट्रांग रिलेशनशिप्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। कोई भी एक एलिमेंट इसमें सप्लाई चेन का कोई भी एलिमेंट अगर अपनी काम को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता तो उससे सारे प्रोसेस को इफेक्ट पड़ता है, उससे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको इफेक्ट पड़ता है, हमें वो आउटकम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल अपनी लिंकेजेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं, स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करें। और अब तो एक न्यू कॉन्सेप्ट जो हम बात करते हैं सप्लायर बीइंग पार्टनर्स, कि जो सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये कोई थर्ड पार्टीज नहीं है, बल्कि इनको हम एज अ पार्टनर कंसिडर करते हैं। और इवन अब इन लोगों को इनोवेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किया जाता है, इन इनसे भी आइडियाज लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो मार्केट के ज्यादा क्लोज हैं, मार्केट सिनेरियोस का इनको ज्यादा नॉलेज है, तो ये लोग भी आइडिया जनरेशन में अपना बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन
ये जो पार्टनरशिप बिल्ड करना है वो भी कंपनीज को बहुत फैसिलिटेट करता है, उनके परफॉर्मेंस को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। सप्लाई चेन इज अ चैनल दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कंपोनेंट्स टू फाइनल प्रोडक्ट टू फाइनल बायर्स। जैसे कि अभी यही बात मैंने पहले की कि सप्लाई चेन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह सप्लायर से हम रॉ मटेरियल कंपनी जो है वो परचेज करती हैं, किस तरह उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होती है, इंटरनल फंक्शन है, और फिर जब एक प्रोडक्ट बन जाता है तो किस तरह उसको रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक या होल सेलर्स तक पहुंचाया जाता है और वहां से फिर एंड यूजर्स आपके उस चीज को बाय करते हैं। क्रिएटिंग कस्टमर लॉयलिटी एंड रिटेंशन, स्टेप को हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। लास्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास प्रोसेस का, कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। पहले चार स्टेप्स जो थे वो डिपेंड कर रहे थे कि किस तरह हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। नाउ लास्ट पॉइंट पे हम देखेंगे किस तरह कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेज इज अ कस्टमर मेक्स ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पैट्रनेज। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है कि एक कस्टमर अपनी सारी जिंदगी में एक प्रोडक्ट को, एक कंपनी से एक प्रोडक्ट को कितनी दफा परचेज करता है, वो टर्म डिफाइन करेगी उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कि मैंने अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपनी जिंदगी में कितनी बार यूज किया है तो वो डिफाइन करेगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। उसी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के बेसिस पर हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी इज द टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपनीज कस्टमर। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में हम सिंगल इंडिविजुअल वन बाय वन इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे थे कि हर कस्टमर की क्या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। अब हम जब तमाम अपनी टारगेट मार्केट की तमाम कस्टमर्स की कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं तो वो डिफाइन करता है हमारी कस्टमर इक्विटी। तो कंपनीज की बेसिकली कोशिश क्या होती है कि वो अपनी कस्टमर इक्विटी को इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा हमारी कस्टमर इक्विटी भी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड अ राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर्स। बहुत जरूरी है कि हम सही कस्टमर्स के साथ सही रिलेशनशिप बिल्ड करें, उसका इफेक्ट हमारी कस्टमर इक्विटी पे पड़ेगा। बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप विद राइट कस्टमर्स इन्वॉल्व ट्रीटिंग कस्टमर्स एज एन एसेट दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड एंड मैक्सिमाइज्ड। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये कंसिडर करें कि हमारा कस्टमर ही हमारा एसेट है। जितना ज्यादा हम उस एसेट को यूटिलाइज करते हुए बेनिफिट गेन कर सकते हैं हमने करना है। कस्टमर हमारा एसेट है, हमने उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, हमने उसको सेटिस्फेक्शन फील करवाना है। जितना ज्यादा वो सेटिस्फाइड होगा, जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाइड होते जाएंगे उतना ज्यादा हमारी कस्टमर इक्विटी बढ़ती जाएगी। कस्टमर इक्विटी बढ़ती जा रही है तो दैट्स मीन वी कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स, हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। कस्टमर इक्विटी बढ़ रही है मीन्स नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं तो हमारी प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। तो हमने रिलेशनशिप के, कस्टमर रिलेशनशिप के डिफरेंट लेवल्स हैं, हमने उन डिफरेंट लेवल्स पर उसको मेंटेन करना है और जो टूल्स उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, जिस लेवल के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं, हमें उन टूल्स को यूज करना है। बिल्ड द राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर, यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्टेड लॉयलिटी है। प्रोजेक्टेड लॉयलिटी कैन बी लो और हाई, और वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास है पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या है, हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। तो अगर इस हम ग्राफ को डिस्कस करें तो अगर हम अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें जहां पर प्रोजेक्टेड लॉयलिटी क्या है, लो है, और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, मतलब ऐसे कस्टमर्स जो कि हमारे साथ बहुत ज्यादा लॉयल तो नहीं होते हैं
लेकिन वो हाई प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं हमारे लिए, ऐसे कस्टमर्स हमारे क्या कहलाते हैं, बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज आर पोटेंशली प्रॉफिटेबल बट नॉट लॉयल। दैट मीन्स देर इज अ गुड फिट बिटवीन द कंपनी ऑफरिंग एंड देयर नीड्स। हाउवर लाइक रियल बटरफ्लाइज वी कैन एंजॉय देम फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बटरफ्लाइज हमारे वो कस्टमर्स हैं जो कि हमारे लिए हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर्स तो हैं लेकिन वो हमारे लॉयल कस्टमर्स नहीं हैं। दैट मीन्स कि करंटली जो प्रोडक्ट जो है वो मेरी कंपनी ऑफर कर रही है वो उनकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक है, वो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। उनकी नीड्स एंड वांट्स चेंज होंगी, वो स्विच कर जाएंगे, वो चेंज कर लेंगे, वो ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स की तरफ चले जाएंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो प्रोजेक्टेड लॉयलिटी यहां पर क्या है, हाई है। दूसरे क्वाड्रेंट की हम बात करें, प्रोजेक्टेड लॉयलिटी यहां पर क्या है, हाई है, और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। मींस कि ये हमारे वो कस्टमर्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल भी हैं और एट द सेम टाइम हमारे लॉयल कस्टमर्स भी हैं। तो वो कस्टमर्स हमारे कहलाते हैं ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स आर बोथ प्रॉफिटेबल एंड लॉयल। दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रांग फिट बिटवीन देयर नीड्स एंड कंपनीज ऑफरिंग। ये वो कस्टमर्स हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हैं और जिनकी लॉन्ग लास्टिंग लॉयलिटी भी है हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ। कंपनी की प्रोडक्ट्स बिल्कुल उनकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक हैं, ऐसे कस्टमर्स कहलाते हैं हमारे ट्रू फ्रेंड्स। थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें स्ट्रेंजर्स की, तो यहां पर हमारी प्रोजेक्टेड लॉयलिटी क्या है, लो, और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी भी लो। मीन्स कि ये हमारे वो कस्टमर्स हैं जिन जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर्स भी नहीं है और एट द सेम टाइम वो हमारे साथ लॉयलिटी भी उनकी नहीं है। तो दैट मीन्स स्ट्रेंजर शोज लो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिटिल प्रोजेक्टेड लॉयलिटी एंड देयर इज अ लिटिल फिट बिटवीन द कंपनी ऑफरिंग एंड देयर नीड्स। दैट मीन्स स्ट्रेंजर्स के हमारी जो कंपनी की ऑफरिंग है वो उनकी उस टारगेट मार्केट की नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक नहीं है, या उस टारगेट मार्केट की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट है, हमारी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, मार्केट ऑफरिंग है वो डिफरेंट है, तो डेफिनेटली वो हमारी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। तो दैट्स मीन वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी नहीं है, और जब उनकी नीड्स से हमारी मार्केट ऑफरिंग मैच ही नहीं हो रही तो वहां पर लॉयल्टी का भी सवाल नहीं उठता। और लास्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोजेक्टेड लॉयलिटी क्या है, हाई है, और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी लो है। ऐसे कस्टमर जो कि आपके साथ लॉयल तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स आपके नहीं हैं, ऐसे कस्टमर्स हमारे कहलाते हैं बार्निकल्स। बार्निकल्स आर हाईली लॉयल बट नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। There is a limited fit between their needs and company offering. ये वो कस्टमर्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते लेकिन ये लॉन्ग रन में हमारे साथ चलते हैं, लॉन्ग टर्म में इनकी लॉयलिटी हमारी कंपनी के साथ होती है, ऐसे कस्टमर्स कहलाते हैं बार्निकल्स। लाइक इसमें हम अगर बैंक्स की एग्जांपल देखें तो बैंक्स में हम आए दिन जब अगर हम बैंक में हमने कोई अकाउंट ओपन करवाया तो हम बहुत रेपिटेटिव बेसिस पर जो है वो स्विच नहीं करते हैं बैंक को, हमारा जहां पर अकाउंट है वहीं पर रहता है। ऐसा नहीं है कि हम आज एक महीना हमने एक बैंक में अकाउंट रखा है दूसरे महीने हम स्विच कर रहे हैं बैंक, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है बेसिकली बार्निकल्स के, हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स तो नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट से बैंक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, बट जो हमारी लॉयलिटी है उस बैंक के साथ वो लॉन्ग टर्म है। तो ऐसे कस्टमर्स हमारे कहलाते हैं बार्निकल्स। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। एक पूरे प्रोसेस को हमने देखा कि किस तरह नीड्स एंड वॉन्ट्स को आइडेंटिफाई करते हुए मार्केट ऑफर क्या करना है, फिर हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, फिर हमने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किस तरह करना है, फिर हमारे उसमें फोर पीस का
क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह हमने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करना है, प्रोडक्ट क्या होगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसकी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रमोशन कैसे होगी, और फिर उसके बाद हमने अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, कस्टमर्स के साथ साथ भी और पार्टनर्स के साथ भी. पार्टनर्स कौन है हमारे? हमारे सप्लायर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे रिटेलर्स, कि किस तरह हमने इनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, ताकि वो हमारे प्रोसेस में, मार्केटिंग प्रोसेस में, हमारे फंक्शंस में हमें फैसिलिटेट कर सकें. और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने सही कस्टमर के साथ सही रिलेशनशिप किस तरह बिल्ड करना है, बिल्ड द राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर्स, उसी से कंपनी को जो है वो प्रॉफिट्स जनरेट होंगे. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसी चीज़ पर डिपेंड करती है. तो ये हमारा जो था चैप्टर नंबर 1 था, जिसको हमने आज वाइंड अप कर लिया है. थैंक यू सो मच.